देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। चर्चित किन्नर नेता रजनी रावत द्वारा ट्रांसजेंडर की पिटाई करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं आज पूरे मामले पर पीड़ित युवक ने रजनी रावत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीते दिन पहले किन्नर नेता रजनी रावत ने एक ट्रांसजेंडर युवक को घर में घुसकर बेरहमी से पीटा था और उसके बाल काट कर पूरे शहर में घुमाया था। आपके साथ पूरा क्या मामला हुआ था? मेरे साथ ये हुआ, मेरे भैया, मैं जन्म से एक लड़का हूँ और मैं लड़कियों की तरह रहना पसंद करती हूँ। मैं अपने आप को एक लड़की फील करती हूँ, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। मुझे कॉर्नेशन हॉस्पिटल ने अडॉप्ट किया और उसके बाद मुझे रजनी रावत ने मेरे घर पर आकर के और उसके 30-35 किन्नरों ने आकर के मुझे जिंदा जलाने की कोशिश करी और मेरे से मेरा फ़ोन भी ले गए, जिनके खिलाफ उनके सबूत थे पूरे। मेरा फ़ोन भी ले गए वो लोग, मेरा बाकी जो सब ये देख ही रहे, मेरे नंगन प्रदर्शन किया पूरे गांव में, उन्होंने मेरा नंगन प्रदर्शन किया। मैं तो ये कहती हूँ उत्तराखंड सरकार से और भारत सरकार से अपील करती हूँ, मुझे न्याय दिया जाए और मुझे प्लीज़ सरकार से गुहार लगाती हूँ, मुझे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि मुझे पता है वो हर पल पल में कम मर्डर करवा दे, मुझे पता है क्योंकि मैं तो उनके साथ, मुझे उनकी हर एक एक बात पता है। इसलिए मैं प्लीज़ भारत सरकार से और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी, जो पूर्व थे, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री भी मुझे देख करके गए, आश्वासन दे करके गए, महेंद्र मनवाल जी भी आए आश्वासन दे के गए, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई उन पे। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।